13 मार्च 2020 साकार मुरली है, साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे खिवैया आया हुआ है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम आत्माओं को परम धाम शांति धाम ले जाने के लिए, इस नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नाव बाबा क्या कहते, हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? पहले हम ये याद समझें कि यथार्थ याद क्या होती है। यथार्थ याद क्या होती है? बाप जो है जैसा है, बाप जो है जैसा है, क्या करता है क्या नहीं करता है, मतलब कंप्लीट मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के कर्तव्यों को भी जानते हों, यदि हम परमात्मा के कर्तव्यों को नहीं जानते उसके बाद हम क्या याद करेंगे। याद यही है कि जो कर्तव्य बाप के हैं वो कर्तव्य हमने आगे पूरे करने, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा पिता परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, तो हम फिर आगे क्या याद करेंगे, क्या कहना माने। परमात्मा के डायरेक्शन उनके कर्तव्य में ही निहित है। रहने के कारण मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम आत्माएं परम धाम में थी तो ज्योति बिंदु, हम आत्माएं परम धाम में थी तो ज्योति बिंदु, ठीक है ना। यहाँ आए तो हमने यहाँ आकर के शरीर धारण किया, जब हमने शरीर धारण किया तो हम ये समझने लगे कि ये शरीर है मेरा, ये मेरा शरीर है, परंतु धीरे धीरे हम उसको क्या समझ बैठे, मैं शरीर हूँ। पहले समझा कि ये शरीर मेरा है, फिर हमने क्या समझा कि मैं ही शरीर हूँ। अब हम अपने आप को साकार देहधारी समझ बैठे तो देहधारी समझने के कारण फिर हम देहधारियों को ही याद करना हमें सहज लगा। क्योंकि जैसे हम हैं, जैसे हम अपने को देहधारी समझते ऐसे परमात्मा को भी फिर देहधारी समझा। अब परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं तो देहधारी नहीं, मैं तो अशरीरी हूँ, अजन्मा हूँ, अयोनि हूँ, अभोक्ता हूँ, ठीक है कहने। तो जब मैं ज्योति हूँ और ज्योति भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ, तुम आत्मा भी ये देह नहीं हो, तुम आत्मा अब देही अभिमानी बनो, अपने को भी बिंदु समझ, मुझे भी बिंदी समझ, याद करो। इसी में ही मेहनत है, इस ऐसा करने में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवानोवाच। इनका नाम तो शिव नहीं है, किनका नाम, ब्रह्मा बाबा का नाम तो शिव नहीं है, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं बाबा, इनके शरीर के द्वारा हमारे साथ बात करते हैं, इनके मुख से ही बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं है, मैं इसके द्वारा बात करता हूँ। शिव भगवानोवाच। ये तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को, या तीसरी बात क्या बताई है, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जा सकता, भगवान नहीं कहा जाता। किसको किसको नहीं, किसी भी देहधारी मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, और 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं उनको भी परमात्मा नहीं कह सकते। इसके लिए कैसे हमें यह हजम होगी बात, क्योंकि सभी 33 करोड़ देवी देवताएं किसी की पूजा कर रहे हैं, सभी जिसका भी आप नाम लेंगे सभी शिवलिंग की पूजा
कर रहे हैं, चाहे राम हो वो भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, कृष्ण है गोपेश्वर में वो भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, शंकर जी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, पार्वती सारी शिव शक्तियाँ भी शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, हर मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, तो सभी जो है शिवलिंग की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो जो किसी की पूजा कर रहा है वो तो परमात्मा नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी तरह हमें समझना है। परमात्मा कभी किसी की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि उनसे ऊपर परमात्मा है, इसलिए वो शिव की पूजा कर रहे हैं। परमात्मा शिव कभी भी किसी की पूजा, क्योंकि पूजा उसी की जाती है जो श्रेष्ठ होता है, परमात्मा से भी कोई श्रेष्ठ है तो फिर वो परमात्मा नहीं है। कोई भी मनुष्य ले लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये आकारी हैं, सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, इनका केवल आकार है, इनका शरीर नहीं है, ये केवल मॉडल है, ये केवल हमारे बनने का लक्ष्य है, हमें वर्तमान में ये बनना है। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को, भगवान कौन है ये किसी को भी पता नहीं है, वेदों में ही कहा गया नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते किसने सृष्टि को रचा, किसने सृष्टि को कब रचा, क्यों रचा, ये हम नहीं जानते। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आता है, भगवान ने ये सृष्टि रची क्यों, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, मतलब जो रोज मुरली सुनते हैं बाबा उनसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं, जो परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हों, मतलब मुरली सुनने वालों में भी बहुत कम है। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बाबा के पास 30-35 वर्ष के भी बच्चे हैं, क्योंकि उस टाइम मुरली चली होगी, साकार मुरली है ना, तो 30-35 शुरू शुरू वाले बच्चे भी हैं, तो जो हम आत्मा कैसे बिंदी हैं ये भी नहीं समझते। मतलब उस समय, क्योंकि ये लगभग 69 के आसपास की होगी मुरली, के 30-35 साल वाले भी बच्चे जो इतना समय से ज्ञान में चल रहे हैं वो भी नहीं समझते कि कैसे बिंदी हैं, ये भी नहीं समझते। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं, बेहद का बाप है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने पहले दिन आते नहीं कह दिया कि बिंदी कैसे है, पहले का अंगूठे जितनी है, फिर धीरे 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 खसखस जितनी है, बड़ के बीज जितनी है, फिर एक दिन बाबा ने कहा आज मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बताता हूँ, पेंसिल उठा के निशान लगाया पेंसिल के, बिंदु ये है। अब उसके हम अब और कितना गहरे चले गए कि प्रकाश की एक किरण जहाँ पड़ती है क्या बनता है, बिंदु, और बिंदु की परिभाषा क्या होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, एक ऐसा निशान जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, किसी भी माइक्रोमीटर से भी नापा ना जा सके, इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है हम आत्माएं, कितनी सूक्ष्म है कि दुनिया का कोई भी माइक्रोमीटर भी उसे नहीं नाप सकता। और आप ध्यान से देखो कि फोटोन को, जो प्रकाश का सबसे छोटा रूप है, उसको भी नाप दिया फोटोन, और उसकी स्पीड को भी नाप दिया, परंतु कमाल की बात है ना हम आत्मा को नाप सकते ना आत्मा की स्पीड को नाप सकते। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। अब क्या होता है कि हीरा नाम सुनते हैं ना सबके दिमाग में बैठ जाता है हीरा बड़ा होगा, हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है, कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल कर फिर दिखाते हैं, हीरे को जौहरी ही जाने और तो कोई जान भी ना सके, झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता ना पड़े, और यदि सोने की डिब्बी में झूठा हीरा रख के भी दिखाएं तो किसी को पहचान नहीं है कि वो हीरा है कि असली है कि नकली है, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। अब सारी दुनिया में
इतनी झूठी दुकानें खुली हुई हैं, उसमें एक बाबा आकर सच्चे हीरे की दुकान खोलता है तो इसको भी वो वैसा ही समझते हैं। बच्चों में कोई ऐसे होते हैं बाबा कहते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं। तो वो तो आगे काल की मुरली में था ना, कुछ भी पता नहीं पड़ता, गाया भी जाता है, सच की नाव हिले दुले पर डूबे नहीं। सच की नाव हिले दुलेगी परंतु डूबेगी नहीं, झूठ की नाव हिलती नहीं। इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वो भी हिलाने की कोशिश करते हैं, जो इस नाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान अच्छी रीति नहीं समझ में आया तो वो फिर प्रश्न उठाएंगे। ट्रेटर गाए जाते हैं। ट्रेटर माना जो बाप की बनकर घर की भेदी लंका ढाए, ठीक है ना। जो बाबा के ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है, वो बागवान भी है। वो खिवैया भी है तो बागवान भी है। बाप ने समझाया है ये है कांटों का जंगल, ये दुनिया सारी क्या है, कांटों का जंगल। क्यों कहा कांटों का जंगल? सब एक दूसरे को दुख देने वाले हैं, सब पतित है ना। कितना झूठ है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है, यहाँ वाले भी कोई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि गुप्त है ना, बाबा दिखाई तो देते हैं, गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वे निराकार है, परम धाम में रहते हैं, हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वे भूल गए, साकार में बैठे बैठे वे भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आते, क्योंकि साकार दुनिया में रहते हैं तो अपने आप को साकार परमात्मा समझते। कोई ना कोई भगवान होगा, उसका शरीर तो होगा, ऐसे तो ना कैसे होगा। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हैं। भगवान को कहा जाता है परम पिता परम आत्मा, ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा, परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, वो है परम आत्मा, क्योंकि परे से परे रहता है, हम हैं आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर तीर्थों पर नदियों पर भी जाते हैं, समझते हैं नदी पतित पावनी है। गंगा में जाएं, नदी में जाएं, सभी नदियां आजकल तीर्थ स्थान बने हुए हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब नदियों के किनारे पर हैं, समझते हैं कि वहां स्नान करेंगे तो हम पतित पावन पावन बन जाएंगे। नदी जो है पतित पावनी है, उसमें स्नान कर पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। भक्ति कर रहे हैं परंतु उनको ये नहीं पता हमें चाहिए क्या। समझते हैं कि हम भक्ति में जाएंगे, स्नान करेंगे, मंदिर में फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, हमारा घर ठीक हो जाएगा, हमारे मकान मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, समझते ये। परंतु वंडरफुल बात है कि कोई भी कितना भी कुछ करे सांसारिक वस्तुएं नहीं मिल सकती, सांसारिक वस्तुएं नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मुझे एक जगह बता दो जहाँ जाने से नौकरी मिलती हो, मैं सारे बेरोजगारों को वहां बिठा दूंगा, वो नौकरी दिला देंगे।
कोई एक जगह बता दो जो बीमारियां ठीक करता हो, मैं सारी दुनिया के हॉस्पिटल बंद करा दूंगा, वो उनकी बीमारियां ठीक कर। जैसे कहोगे उल्टा कहोगे ना, मैं उनको उल्टा लटकवा दूंगा। जागरण करने से यदि इच्छाएं पूरी होती सबकी तो नहीं, किसी की दो चार पांच के कार्य पूरे हो गए, वो भी उनके अपने कर्मों के हिसाब से पूरे हो गए, ना कि उसके कारण। पर तो वो समझते कि हमें जागरण करने से, मंदिर में जाने से, उधर जाने से, उधर जाने से हमको मिल गया, वहाँ से नहीं मिलता। तो हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझाना है। परमात्मा कहते बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे अपने ही किसी समय के कर्मों का परिणाम है, फल है। भक्ति मार्ग में ये किसी को नहीं पता कि क्या है, पड़ता कि हमको क्या चाहिए। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए। अब वो चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। अब मुक्ति क्या है ये विचारों को नहीं पता। मोक्ष मिल जाए, मोक्ष क्या है ये उनको नहीं पता। वो इतना समझते हैं कि बस हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएंगे, आवागमन के चक्कर से छूट कर इस संसार में हम फिर कभी नहीं आएंगे, वो ये समझते हैं। परंतु परमात्मा कहते बच्चे, तुम सब आत्माएं कौन हो? एक्टर। तुम सब आत्माएं कौन हो? एक्टर। सोचो किसी एक्टर आत्मा को कहा जाए आज के बाद तुम्हें रोल नहीं करना, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो कोई भी आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टिंग करने से निकल नहीं सकती है। परमात्मा कहते मेरे को ही नहीं मुक्ति मिल सकती, बाकी किसी को मिलेगी तो कैसे मिलेगी? यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। क्या क्या है? दुखी है। जब सतयुग होता है सब सुखी होते हैं, वहाँ कोई नहीं कहता मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। यहाँ जब दुखी हो जाते हैं, दुखी क्यों हुए? अपने ही गलत कर्मों के कारण, विकर्मों के कारण। वहाँ भगवान को कोई बुलाते भी नहीं, सतयुग में कोई भगवान को बुलाते नहीं। यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हार नहीं सकते। भक्ति करने से किसी के दुख दूर नहीं होते। बल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हार नहीं सकते, कितना भी कर लो। सिर्फ राम राम कहने से दुख हार जाते तो सारी दुनिया सुखी हो जाती। कितनी किताबें, कितनी कापियां भर भर के लिख के जमा करा रखी हैं, ये है ही रावण राज्य। आज सारी दुनिया में क्या है? रावण का राज्य। कैसे कहेंगे कि सारी दुनिया में रावण राज्य है? पांच विकार सर्वव्यापी हैं। और उनकी कोई ऐसी बात बताओ जिससे हम कह सकें कि अब रावण राज्य है, क्योंकि सब चाहते हैं राम राज्य हो। सब चाहते हैं राम राज्य हो। गांधी भी चाहते थे राम राज्य हो। चाहते हैं जो, वो नहीं है, वो नहीं है तो फिर क्या है? राम राज्य। क्या ही नहीं। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, अब दुख है कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सब एक दूसरे को दुख देने वाले बन गए हैं। कहा जाता है पहला नंबर है देह अभिमान। पहले नंबर का कांटा क्या है? देह अभिमान का कांटा। फिर है काम विकार का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वे विनाश होने का है। वे विनाश होने का है। क्यों? क्यों विनाश हो जाएगा? जो कुछ हम आंखों से देखते हैं क्यों विनाश हो जाएगा? क्योंकि वे झूठ है। क्योंकि वे झूठ है। जो भी वस्तु मोर देन वन एलिमेंट से बनी है उसे नष्ट होना है, क्योंकि प्योर होने के लिए मिक्सिंग खत्म होना जरूरी है, ठीक है? शुद्ध होने के लिए।
तो जब पवित्र बनेंगे तो हर एलिमेंट अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। मिक्स्ड एलिमेंट जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर को की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है। बाप की याद माना बाप की श्रीमत पर चलना, ये जरूर याद दिलाना है। बाप को याद करना नाम रटना नहीं, बाप का कहना मानना है। क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते, ब्रह्मलोक पतित पावन नहीं है, परमात्मा पतित पावन है। तो बाप को ही याद करना है। घर को याद करने से हम पावन नहीं बनेंगे, बाप को याद करने से पावन बनेंगे। क्यों ऐसा कहा, घर को और बाप को क्यों अंतर किया? क्योंकि घर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, घर नहीं समझा सकता। तो हमें डायरेक्शन चाहिए ना, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें जो पावन बन जाए, क्या करें जो हमारा जीवन सुखी हो जाए, वो बताने वाला कोई चाहिए ना। तो परमात्मा आकर हम सबको रोजाना डायरेक्शन देते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। वो कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, मेरा एक का कहना मानो। मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। अब बाबा ज्ञान का सागर है तो जरूर आके समझाएगा ना, यदि समझाएगा नहीं तो कैसे कहेंगे कि वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान अपने अंदर ही रखे, हम क्यों कहेंगे वो ज्ञान का सागर है। जब ज्ञान देगा तो पता चलेगा कि वो ज्ञान का सागर है। यदि वो ज्ञान दे ही ना, उसके पास ही रखा रहे, तो हम क्यों, हमें क्या मतलब, वो है कि नहीं है। जब वो हमें देगा तब हम कहेंगे ना, प्रेरणा तो नहीं करेंगे ऊपर से, बैठे बैठे तो प्रेरणा नहीं कर देंगे ना। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा का मतलब क्या होता है कि परमात्मा का नाम भी नहीं है, परमात्मा का रूप भी नहीं है। परंतु परमात्मा कहते, बच्चे जब तुम शिव जयंती मना रहे हो तो मेरा नाम ले रहे हो ना। जब मेरा नाम ले रहे हो तो मैं नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ, फिर मेरा कोई रूप भी तो जरूर होगा ना, बिना रूप के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो परमात्मा का रूप भी है, परमात्मा का नाम भी है, परंतु क्या कहेंगे, नाम रूप न्यारा है। परमात्मा का नाम रूप न्यारा है। कैसे न्यारा है, हमारे जैसा परमात्मा का रूप नहीं। हमारा नाम होता है शरीर के ऊपर और परमात्मा का नाम होता है आत्मा के ऊपर। हमारा आत्मा पर कोई नाम नहीं है। मैं आत्मा ने इस जन्म में शरीर लिया तो सुरेंद्र हो गया, अगले जन्म में शरीर लेंगे तो कुछ और होगा, अगले जन्म लेंगे तो कुछ और होगा। हर जन्म मेरे शरीर का नाम अलग होगा, मुझ आत्मा का कोई नाम नहीं है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है, फिर कैसे पता लगता है कि इतनी सारी आत्माएं उनका कोई नाम भी नहीं, कि ये कौन सी आत्मा है। नहीं समझे हैं बहुत, मतलब क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछना हक है। नहीं मतलब परमात्मा को फिर कैसे पता लगता है कि ये आत्मा अलग है, ये आत्मा वो है, ये आत्मा वो है, कहीं गलती नहीं हो जाती कभी। ठीक है, नहीं क्वेश्चन सही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो दिमाग तो चलाते हैं ना बाबा के बच्चे। ठीक है, नहीं तो क्या जवाब दें इसका हम। जैसे आप देखे हैं कि यहाँ पर लाख या हजार ही सरदार इस सड़क से गुजरे तो हमें तो लगेगा कैसे पहचाने, किसी सारे एक जैसे हैं, कैसे पता लगेगा।
आप यदि हम 100 या 1000 गऊओं को देखें तो हम सोचेंगे कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी गाय है, परंतु जो उनके पालने वाला है उनको पता है कि ये कौन सी गाय है, कौन सी गाय का कौन सा बछड़ा है, ठीक है नहीं। तो परमात्मा को सब पता है, परमात्मा को पहचानने की सारी पहचान है कि कौन सी आत्मा क्या है, ठीक है नहीं। तो हमें बहुत क्लियर समझना है कि हम अल्पज्ञ हैं, हम उन पशुओं के बारे में नहीं जानते। हमारे लिए तो बड़ा अजीब लगता है कि इन 1000 में से कैसे ग्वाला जानता होगा कौन सी गाय का कौन सा बछड़ा है, कौन सा क्या है, ठीक है ना। सबकी एक जैसे लगते हैं ना, परंतु सब में अंतर है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है। यूनिक है किस आधार पर, जबकि रूप सबका एक जैसा है परंतु यूनिक है अपने कर्मों के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर। हर आत्मा अलग 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 है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, नाम तो जरूर होगा उसका, फिर कह देते ठिककर भीतर में, अगली बात क्या कहते परमात्मा कण कण में सब में है। अनेक मत है ना, बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम बच्चों को 5 विकारों रूपी रावण ने क्या किया है, तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, कोई तो नास्तिक होते हैं। किसे कहते हैं नास्तिक, जो परमात्मा का कहना नहीं मानता, वो नास्तिक है ना। दुनिया वाले क्या समझते, जो मूर्ति पूजा नहीं करता, जो आरती नहीं करता, वो नास्तिक। परंतु अब परमात्मा ने आके समझाया, जो परमात्मा का कहना मानता है वो आस्तिक, और जो परमात्मा का कहना नहीं मानता है वो नास्तिक। तो संसार में जितने भी हैं वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा क्या कह रहा है, परमात्मा कहता क्या है, मानेंगे तो तब ना। तो जितने भी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, या जो परमात्मा को नहीं जानता है वो सारे के सारे हमारी दृष्टि में नास्तिक, और उनकी दृष्टि में हम नास्तिक, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि उनको ये पाठ पढ़ाया गया है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो आस्तिक है, जो मूर्ति पूजा नहीं करता है वो नास्तिक है। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया। कौन आएंगे यहाँ पर, जो 5000 साल पहले समझे थे। लिखा हुआ भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, सब जानते हैं, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो, शूद्र धर्म से निकलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो, वास्तव में हिंदू कहलाने वाले असली धर्म को जानते हो। हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, हिंदू का अर्थ क्या है, जो अपने धर्म से हीन हो गए। परंतु हम ये अर्थ ना जानने के कारण, हम सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में होने के कारण, हमने अपने आप को कहा, गर्व से कहो कि हम हिंदू। बाबा कहते वास्तव में जो अपने आप को हिंदू कहलाने वाले हैं अपने असली धर्म को जानते ही नहीं। कौन सा धर्म है उनका, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जानते नहीं। इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसी के पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो भगवानोवाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन।
मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, मेरा कहना मानो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा, रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई, राजधानी स्थापन होना मतलब सत्ययुग की आदि रचना जब तक तैयार नहीं हुई है तब तक विनाश। अब इसके अंदर कितना गहरा राज है, सत्ययुग की आदि रचना पहले तैयार होगी फिर विनाश, क्योंकि सत्ययुग को पैदा करने वाला कौन चाहिए, माँ बाप तो होंगे नहीं ना, तो उनको पैदा करने वाले यही पैदा करेंगे, यही पहले बनेंगे, तब आसुरी सृष्टि का विनाश होगा। कहा भी क्या जाता है, पहले देवी सृष्टि की बाबा आकर के स्थापना करते हैं फिर आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं, क्योंकि सृष्टि का संपूर्ण विनाश नहीं होता, देवी देवताएं बच जाते हैं फिर उनकी पालना होती है विष्णु के। इसीलिए लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे क्या लगाते हैं, विष्णु का चित्र लगाते हैं। विनाश तब तक विनाश नहीं होगा, विनाश कैसे होगा, अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना, एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएगा। ऐसे बातें बोलने तो नहीं चाहिए, मुंह खराब हो जाता है, नहीं हकीकत है ना, हाँ इसलिए बता रहे हैं कि पहले से तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसा सीन खुलने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं। कैसे मरेंगे, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे, इसलिए अभी ढेर सारा खा लो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ढेर सारा खड़ से मर जाएंगे, अच्छा आप हाजिर हो गए हो, हाजिर जवाब हाजिर है आज, इसलिए ठीक है ठीक है। भूख हड़ताल जो करते हैं वे फिर कुछ ना कुछ जल व माखी शहद आदि लेते रहते हैं, ठीक है, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं परंतु शहद पानी में घोल करके पीते रहते ताकि अंदर कुछ ताकत बनी रहे, वजन में हल्के हो जाते हैं, ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी और सब मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है और एक सेकंड पहले नहीं होगा और एक सेकंड लेट भी नहीं होगा। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो, मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई, क्योंकि परमात्मा के बारे में कोई बताए तो फिर वो, क्योंकि ला है पिता के बारे में बच्चा नहीं बता सकता, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, अभी हमको क्या करना है, वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए, वे बाप हमें घर ले जाने आया है, वापिस हमें अपने बाप के पास जाना है तो खुश होना चाहिए ना। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु शांति कौन देवे, कहते हैं ना शांति देवा, देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं। अब देवों का देव तो एक ही है जिसको सारे देवताएं पूजते हैं याद करते हैं, वो है ऊंचते ऊंचा पा, वो कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, सबको पावन बनाकर ले जाएगा, राइट सारे पावन बनेंगे, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए चाहे ना आए, हर एक को पावन बनना है। तो पवित्रता क्या है, वो पवित्रता क्या है जो सबको पवित्र बनना है,
वो उनको कैसे समझाएं हम कि वो पवित्र बनेंगे। पवित्रता है आत्मा समझना, पवित्रता और कुछ नहीं है, पवित्रता है आत्मा समझना। अब कोई ज्ञान के आधार पर अनुभव कर ले कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो ज्ञान के आधार पर अनुभव नहीं करेगा तो वो देखेगा उसकी माँ भी गई, बाप भी गया, बच्चे भी गए, मकान भी गया, सब कुछ गया, ये शरीर भी गया, और तब क्या रह जाएगा? फिर कहेगा अब तो बस आप ही बाबा और कोई नहीं। तब उसे परमात्मा की याद आएगी, तब वो समझेगा कि मैं आत्मा। इससे पहले वो अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि उस आत्मा का पार्ट है ना। जितना समय उसने दुख को भोगना है, वो कैसे अपने आप को समझ ले कि मैं आत्मा हूं? ज्ञान के आधार पर जिसे अनुभव हो गया है कि मैं आत्मा हूं, तो वो सतयुग की तरह ये शरीर को छोड़ेगा और अपने घर चला जाएगा। उसे सोचना नहीं पड़ेगा, वो पहले ही शरीर को छोड़ देगा। कहेगा क्या जरूरत है शरीर की, क्या डरना। ऐसे शरीर को छोड़ेगा जैसे कपड़े चेंज करते हैं। यही अभ्यास अभी से करना है, इस स्थिति को अभी से बनाना है। बाबा कहते हैं, कल परसों की मुरली में भी था, कि हमें इस स्थिति को बनाना है कि जैसे हम ड्रेस को चेंज करते हैं हमारे चेहरे पर शिकन नहीं आता, इसी प्रकार से खुशी खुशी हम इस शरीर को छोड़कर अलग होने में सक्षम। क्योंकि सतयुग में तो हमने ही करना है, और वो सीखा अभी जाएगा। सतयुग में कोई सिखाएगा नहीं, सतयुग में कोई सिखाएगा नहीं, अभी सीखना है, ये अभ्यास करना है अपने आप को समझाने का। जितना जितना हम देह से अलग अपने आप को समझते जाएंगे, उतना सहज इस शरीर से अलग होना हो जाएगा। क्योंकि हमें रोजाना बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद समझाना है अपने आप को कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इस देह से अलग आत्मा, मैं इस देह से अलग आत्मा। बार बार सारा दिन अभ्यास करना है, अपने आप को समझाना है, ये सब देह नहीं है, ये सब गाड़ियों को चलाने वाली आत्माएं हैं। मतलब ये सारा दिन, क्योंकि जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगा, तब सामने वालों को भी गाड़ियों में बैठी हुई आत्मा समझूंगा। ये अभ्यास हम करेंगे, उतना हम सबसे अटैच और डिटैच, न्यारे और प्यारे, ठीक है नहीं, सबको प्यार करने वाले भी और सबसे न्यारे भी होते जाएंगे। पवित्रता माना आत्मा समझना, अपने आप को आत्मा समझना माना पवित्र बनना। क्योंकि आत्मा समझेंगे तो घर जाएंगे ना। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे, तब तक हमें घर जाने का संकल्प आ ही नहीं सकता। आत्मा समझते ही हम अपने घर जाएंगे। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, डरा रहा है बाबा, सबको लेके जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। धमकी धमकी दे रहा होगा बाबा। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्यार कर रहे हैं, सबको लेके जाऊंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है, ड्रामा में नियम है, सबको जाना ही है। गाया हुआ है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती, ये भी जानते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाएंगी, क्या बनेगी, मैरिट बनेगी, मैरिट बनेगी ना, मैरिट एक से सौ। और पहले कौन सी आत्माएं आएंगी, जो 100 वाली, क्योंकि धरती 100% प्योर है, तो उसको यूज करने के लिए कौन सी आत्माएं आएंगी, जो 100 मार्क्स लेंगी, तो थोड़े ही होंगे ना, आप ही थोड़ी होगी,
नियम बना रखा है बाबा ने, और जिसमें कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे जो 100 नंबर से पास हुए होंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते, देखते हुए भी हम नहीं देखते। किसको देखते हैं? ये शरीर को नहीं देखते, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, खुशी से अपना शांति धाम को याद करते रहेंगे, वो घर है ना हमारा, तो उसको याद करते रहेंगे तो अंत मत्ति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, एक बाप का कहना मानना, इसमें ही मेहनत है, ये सबसे बड़ा टफ है का, मेहनत वाला काम है, असंभव नहीं है, थोड़ी मेहनत जरूर है, क्योंकि अशरीरी अजन्मा अयोनि परमात्मा का कहना मानना, और कहना भी ऐसा है जो दुनिया में कोई भी नहीं कहता, ऐसा काम करने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं कहता, वो काम करने के लिए बाबा कहता है। जितने भी डायरेक्शन है अपने को आत्मा समझो, कोई दुनिया में कोई सत्संग नहीं है पूरी दुनिया में जो ये कहता हो कि अपने को आत्मा समझो, कोई भी नहीं कहता कि ना सबको आत्मा समझो, कोई नहीं कहता कि संसार को आग लगने वाली है और तुम आत्माओं को आप घर जाना है, मतलब एक एक बात, कोई भी संसार का धर्म नहीं बताता कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कैसे तुम आत्माएं परम धाम से आती हो, कैसे तुम परम धाम वापिस जाती हो। एक बाप को याद करने से इसमें ही मेहनत करना, इसमें ही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। कोई सोचे कि मैं मेहनत ना करूं और मेरे को सत्यु की रजाई मिल जाए, ऊंच पद मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। वंडरफुल स्कूल है जहां नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, यहां तो घर घर में अशांति, घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छी छी दुनिया को भूलो, अब इस छी छी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूं, इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंत मति सोगति हो जाएगा, जैसा अंत में सोचोगे वैसे बन जाओगे। शादी आदि में भल जाओ परंतु याद बाप को करो। अब शादी में भी जाओ और बाप को भी याद करो। अब शादी में क्या बाप को याद करेंगे? सबको देखो कि ये आत्माएं नाटक कर रहे हैं, सभी को देखो, आपकी दृष्टि ही वहां की सेवा है, क्योंकि वहां भाषण तो कर नहीं सकते, वहां किसी को सुना तो नहीं सकते, परंतु जिसको भी मिलो उसे आत्मिक दृष्टि से देखो। मौका मिले जिसके साथ बात करने का, कोई ना कोई ज्ञान रतन देते, सबको आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं तो बाबा याद है, नहीं देख रहे हैं तो बाबा याद नहीं। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए कि सब क्या हो रहा है, नाटक चल रहा है। भल घर में रहो, शादी में जाओ, चाहे घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, पर बंतु बुद्धि में याद रखो कि ये आत्माएं मेरे साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही है, इनकी मेरे द्वारा जो सेवा होनी है, जो इन्होंने मेरे से सेवा लेनी है वो ये ले रहे हैं, परंतु साथ में ये भी याद रहे कि मुझे अब कैसी सेवा करनी है, रूहानी सेवा, इन आत्माओं की सेवा करनी है,
जिससे इनका जीवन श्रेष्ठ बने, इनका चरित्र श्रेष्ठ बने, मुझे वो सेवा कर। केवल ये नहीं कि रोटी पका के खिलाने, कपड़े धोने, पैसे देने, ये सेवा नहीं है। ये तो अपना कार्मिक अकाउंट वो बराबर करेंगे, परंतु मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा समझाना अलौकिक, मतलब मैंने जो उनको समझाना है वो अलौकिक। इस दुनिया वाला तो पता है उनको, मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं। मुझे वो उन्हें समझाना है जो वो नहीं जानते, मुझे उनके साथ वो व्यवहार करना है जो दुनिया वाले नहीं करते। जैसा बाबा कह रहा है मुझे उनके साथ वैसा व्यवहार करना। परंतु बुद्धि में याद रखो, बाबा का फरमान है मुझे याद करो। अब वहां उस टाइम हम शिव बाबा नहीं करना है, मतलब शिव बाबा के डायरेक्शन पर उनकी पालना करना। घर छोड़ना नहीं है, चाहे वो तंग करने वाले भी हों। क्या समझना है, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? क्योंकि मैंने जितना उनको किसी समय दुख दिया हुआ है वो अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं, पर तो मुझे तो अब उनके साथ वो अकाउंट बनाना है जो वो मेरे साथ सतयुग में देने के लिए आए, देने के लिए आए। मुझे उनके साथ वो अकाउंट बनाना है जैसा मैं चाहता हूँ, ताकि वो मुझे उस हिसाब से मिले। ठीक है, फिर नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा, कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि भक्ति करते ही हैं घर में, घर बार संभालते हैं, विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं किसको याद करो, कृष्ण को याद करो, तो उन जैसा बच्चा होगा। वो समझते हैं कृष्ण को याद करेंगे उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कृष्ण को याद करें और कृष्ण जैसा बच्चा हमारे घर आ जाए, क्योंकि अब तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं। क्योंकि सतयुग में हमें कौन मिलेंगे, सतयुग में हमें कौन मिलेंगे? जिनके साथ अब हमने सतयुगी अकाउंट बनाया होगा। यदि हमने उनके साथ सतयुगी अकाउंट बनाया नहीं, हमने उनके साथ सतयुगी व्यवहार किया नहीं, वो क्यों मेरे पास सतयुग में मिलेंगे? वो ध्यान देना, बिना व्यवहार बनाए हमें मिलने वाले नहीं। जिन आत्माओं के साथ हम सतयुगी हिसाब बनाएंगे, वही सतयुग में अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए मिलेंगे। अब जो मिले क्यों मिले हमें सारे, जो भी परिवार वाले मिले क्यों मिले हमें? क्योंकि हमने जैसा उनके साथ बनाया था, हमने उनको जितने दुख दिए हुए थे वो किसी भी रिश्ते में आकर हमें दुख दे रहे हैं, जितने हमने उनको सुख दिए हुए थे वो किसी भी रिश्ते में आकर सुख दे रहे हैं। अब जो हम देंगे वो हमें आगे मिलेगा। तो अब हम वो देना जैसा हम चाहते, बहुत सहज तरीका है। सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते, कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। कब लिया है? संगम के समय। गीता का ज्ञान परमात्मा सुनाते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण तो पहली आत्मा है जिसने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में 100% धारण किया। ये तो पढ़ने वाला ठहरा ना, श्री कृष्ण तो पढ़ने वाला है ना। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, कृष्ण ने सुनी, कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुना। दुनिया वाली गीता में भी क्या लिखा है? ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, प्राय हुए ज्ञान लोप हो गया। ठीक है कि नहीं? जो ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, वास्तव में सूर्य ने ज्ञान नहीं दिया था, ज्ञान सूर्य परमात्मा ने ज्ञान दिया था।
भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, ज्ञान लेने वाले का नाम डाल दिया, क्योंकि उनको परमात्मा दिखाई नहीं दिया। व्यास ने जब लिखा, व्यास को परमात्मा दिखाई नहीं दिया, व्यास को कृष्ण दिखाई दिया, क्योंकि परमात्मा का तो शरीर है ही नहीं, कृष्ण का शरीर है, तो इसलिए उसने कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई, वे खंडन की हुई गीता है। गीता पढ़ने से क्या होगा, जो दुनिया वाली गीता है वो है खंडित गीता। खंडित किसे बोलते हैं, जिसमें गलती हो, टूटा गया हो, विकार आ गया हो, बुराई आ गई हो। बाप तो राजयोग सिखला कर गए हैं, इनसे कृष्ण सतयुग का मालिक बना। कृष्ण ने राजयोग सीखा तो वो सतयुग का पहला पहला राजकुमार बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना कि सुनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा पूछ रहे हैं, एक बताओ जो स्वर्ग का मालिक बना। मैंने रोज एक जब सत्यनारायण की कथा होती कितने घरों में जाके सुनाते थे, परंतु कोई स्वर्ग के मालिक कोई बना ही नहीं है। उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वो कोई बात नहीं है। ना तो यहाँ कोई मंत्र दिया जाता है और ना ही कोई फोटो दिया जाता है। मंत्र माना सलाह, ठीक नहीं, सलाह। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है, किसकी कथा है, वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भागवत की कथा है। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ है पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? ये पढ़ता था, पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ये रथ जिसमें बैठा हूँ ना ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ, मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था, तोते बापे कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। मेहनत तो करनी है, सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक याद ही आता रहता है। जो सच्चा आशिक होता है ना उसे घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तो अब बाप को की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार, कोई जरूरत नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझ आते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मारे के गीत दुनिया वाले उनका अर्थ नहीं समझते, परंतु बाबा उनका अर्थ समझाते हैं। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भगत हो। ये टाइटल किसने दे दिया? बाबा ने दे दिया। कहते हैं तो वो समझ जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझ जाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह अपना शरीर नहीं है। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भाव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, अब विनाश होना है, ऐसे कभी भी नहीं कहेंगे। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ। जितना योग लगाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ाई से धन मिलेगा,
तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। लगभग 150 साल में, त्रेता में 100 साल में अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, कभी बाप के आगे बच्चे की मृत्यु नहीं। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। चलो परम धाम के धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्ष्य को याद करने का पैगाम देना है। भक्त का टाइटल कब मिलेगा? कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से बाबा कहेगा ये भक्त है? भिखारी बनना, मांगना, थे ना? मतलब ज्ञान में आने के बाद भी बाबा प्रोग्राम करना है, बारिश को रोक दो ना। अच्छा, तो बाबा के बच्चे क्या हैं? उनको सुनना पड़ेगा, भगत है। बाबा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लाइट भेज दो ना। बाबा लाइट भेजेगा, मांग रहे हैं। बाबा कहते मुझे नहीं पता मैंने लाइट भेजनी है, मेरा प्रोग्राम है। तो मुझे बताओगे तो मुझे पता लगेगा मेरा प्रोग्राम है। नहीं कहना, बाबा से नहीं कहना कि ये कर दो ये कर दो ये कर दो, कुछ नहीं कहना। बाबा कहता मुझे नहीं पता, क्या गुस्सा आता है बाबा? आता नहीं गुस्सा, अच्छा नहीं लगता। फिर क्या कहते हैं? भगत बच्चे। क्यों कहेंगे? वो फिर भगत बच्चे कहेंगे ना, ज्ञानी बच्चे तो नहीं कहेंगे ना। भगत बच्चों को तो हक है, कह सकते हैं, क्योंकि बेचारे भगत है। मैं तो, आप तो भगत नहीं हो ना, आप तो ज्ञानी बच्चे हो ना, आप तो नहीं कह सकते मेरे बच्चे को अक्कल दे दो, मेरे पति को ज्ञान में चला दो बाबा, थोड़ा इसकी बुद्धि में डाल दो। भगत बच्चे बोला ऐसा कह ही नहीं सकते। बहुत सारे मैसेज यही आते हैं, मेरे लिए प्लीज भगवान से सवेरे बैठ करके प्रार्थना करना। बहुत सारे मैसेज, मेरे बच्चा पढ़ने लग जावे। भगत बच्चे बहुत सारे, बहुत सारे भगत बच्चे। पैगंबर बन सबको बाप और वर्ष्य को याद करने का पैगाम देना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, कोई चैन नहीं। ये छी दुनिया, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को जरूर याद करना है। एक बहन ने लिखा, मैं 2 बार 21 दिन तक तपस्या कर चुकी हूँ, कब तक करूँ? मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। कैसे पूरी हो? बताओ मेरी विश पूरी कैसे होगी? अब कौन बताए उसको कि विश उसकी कैसे पूरी होगी? याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना। बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या, विश करनी ही नहीं है, पूरी होने की तो बात ही अलग है। जो मुझे मिलना है उसे कोई रोक नहीं सकता, जो मुझे नहीं मिलना वो मुझे कोई दे नहीं। वरदान, त्याग और तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप। क्या करना है हमको? त्याग करना है, तपस्या करनी है और सेवा भाव, 3 बातें अपने जीवन में लानी है तो हमारा जीवन सफल है। त्याग किसको करना है? त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग किसको करना है? बुराइयों को। त्याग किसको करना है? अपनी कमियों को। त्याग किसको करना है? जो हमें उन्नति के रास्ते में जाने में बाधक है, जो बाबा की श्रीमत पर चलने में बाधक है, उनका हमें, उन बातों का, उन आत्मों का, आत्माओं का त्याग नहीं करना। ये लाइन याद रखनी है, आत्माओं का त्याग नहीं करना,
केवल उन बातों का त्याग करें। आत्माएं तो मेरे भाई हैं, उनको त्याग नहीं सकते, उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इग्नोर किया तो वो हमें भी इग्नोर करेंगे। हमने किसी भी आत्मा को इग्नोर नहीं करना। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनाते हैं। और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाबा के ऑर्डर पर चलना ही है, चलना ही है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया। कभी भी तू, मैं, मेरा, तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है, यही संपूर्ण अहिंसा है। मतलब संकल्प में भी, सपने में भी ये संकल्प ना आए, विचार ना आए कि मैं किसी को दुख दे रहा हूँ, या ऐसा करूँ तो इसको पता चल जाए कि मैं क्या हूँ, इसको मजा चखा दूँ। नहीं, हमने किसी को मजा नहीं चखाना, हमने किसी को दुख नहीं देना। हमने वो दुख दे, वो जितना दुख दे, परंतु हमने फिर भी उसको क्या देना है, सुख देना है। यही संपूर्ण अहिंसा है। ओम शांति।